बिरजू, हाँ, आज कान्हा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। देव के हाथों इतना बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया कान्हा ने। ये तो होना ही था। हमारी राधिका भौजी कान्हा से कुछ मांगे और वो देने से मना कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं भी बहुत खुश हूँ और तुम लोगों को अच्छी खबर सुनाने वाली। सुनाइए सुनाइए। 3 दिन के बाद अक्ति है। इस बार जिस तिथि पे ये आई है, ये 100 साल में एक बार आती है। ये कहते हैं कि इस दिन जिस जोड़े ने शादी की, वो 7 जन्मों के लिए पवित्र रिश्ते में बन जाता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे जीते जी ये दिन देख पाऊंगी। वाह, तब तक तो माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बरसी की पूजा संपन्न ना होने की बात सुनकर माँ पहले से अच्छा महसूस कर रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे ये अरमान ऐसे अचानक पूरे हो जाएंगे। माफ कीजिएगा माता जी, पर आपका ये अरमान कभी पूरा ना ही होगा। अक्ति के दिन शादी होगा जरूर, लेकिन देव और राधिका का नहीं, अभय और कनिका का। ऐसा कभी नहीं होगा कात्यायनी देवी जी। आपको याद दिला दूं, बल और बुद्धि रावण के पास आपसे कहीं अधिक थी। बिना धुएं के आग जला सकता था वो, धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था वो, लेकिन उसने भी वही गलती की जो आप कर रही हैं। अपने असत्य के सहारे आप सत्य को पराजित करना चाहती हैं, लेकिन रावण के घमंड का परिणाम क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। शाबाश, बहुत अच्छे। किंतु अपना ई भाषण हमका अभय और कनिका का शादी के बाद देना है। अक्ति का दिन हम कनिका और अभय का शादी जरूर कराएंगे और तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इस धोखे में मत रहिएगा कात्यायनी जी, कि जो चाहोगी आप वैसा हो जाएगा। मुझे मेरे कान्हा पर पूरा भरोसा है, उन्होंने हमेशा हमारी परीक्षा ली है, लेकिन कभी भी कुछ भी गलत होने नहीं दिया हमारे साथ और ना ही आगे होने देंगे। कोशिश तो आपने बहुत की बरसी पूजा करने की, लेकिन क्या हुआ, सत्य और धर्म के आगे हार मान गई ना। वो हमरा हार नहीं, केवल मात्र संजोग था, और केवल संजोग के बल पे आप हमें नहीं हरा सकेंगी। और वैसन भी कात्यायनी देवी का हाथ में सिर्फ जीत का लकीर है, हार का नहीं। और हमारे भी देव के हाथ में सिर्फ शादी की एक ही लकीर है, जो राधिका के साथ हो चुकी है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन ऊपर वाले का लिखा मिटाना किसी के बस में नहीं है। अगर आप लोगों को यही सब सोच सोच के आनंद आता हो, तो आप सोचिए हमका कोनो परेशानी ना ही माता जी। आपको हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तो अपनी चिंता कीजिए। ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। वो तो अक्ति के दिन ही पता चलेगा माता जी। जय शिव शंभु। सुनिए, मैं जानती हूँ पूजा ना संपन्न होने के कारण आप परेशान हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए
अगर ये बरसी पूजा संपन्न नहीं हो पाई तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यही ना कि मैं आपका पति हूं, इस घर का बेटा हूं, एक राजपुरोहित हूं। यही कहना चाहती है ना? कभी आपने इसके अलावा कुछ और सोचा है? कभी आपने खुद को मेरी जगह रखकर मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश की है? ये जानते हुए भी कि मैं आपका देव बाबू नहीं हूं, अब है, मैं आपकी सहायता करने चला आया। माता राम जी जो मुझे अपना बेटा मानती है, उनके खिलाफ जाकर मैं राजपुरोहित बचाने आ गया, और बदले में आपने मुझे क्या दिया? आपने हमेशा यही साबित करने की कोशिश की है कि मैं देव हूं। आपने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं अपने परिवार से दूर हो जाऊं, और आपकी इन कोशिशों के सामने मैं इतना कमजोर पड़ गया कि मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। एक ऐसी भूल जिसने ना ही मुझे एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा और नहीं एक अच्छा पिता रहने दिया। माफ करना तो दूर, मैं तो खुद का सामना भी नहीं कर पाता। मेरी पत्नी, मेरे परिवार को यह लगता है कि मैं उनके प्रति अपने फर्ज को नहीं निभा रहा, और आपके परिवार को यह लगता है कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूं। लेकिन गलत तो मेरे साथ हो रहा है ना? मैं पूरी ईमानदारी के साथ धर्म और न्याय का साथ देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी परवाह है किसी को? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या आपने कभी इसकी परवाह की है? बताइए। आपको माता राम जी बुला रहे हैं। हमका पूरा भरोसा है कनिका, दामाद बाबू इस शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। भाई सब इतना आसान थोड़ी है जितना आप कह रही हैं। हम तोरा माँ हैं लल्ला, जहां तोरा सोच खत्म होता है वहां हमरा सोच शुरू होता है। कब क्या करना है हम अच्छे से जानत हैं। दामाद बाबू, आपने बुलाया माता राम जी? हाँ दामाद बाबू, आपसे बहुत जरूरी एक बात करे का था। क्या बात है? दरअसल बात ई है दामाद बाबू कि ई बार अखती जौन तिथि पर पड़ा है, ओ तिथि 100 साल में एक बार आत है। कबास्ते हम चाहते हैं कि ई उत्तम तिथि पर आप और कनिका एक बार फिर विवाह का बंधन में बंधे। आज तक विधि का विधान कोई नहीं डाल सका। तुझे याद है ना विवेक, पंडित जी ने क्या कहा था? देव की कुंडली में सिर्फ एक ही पत्नी का योग है, तो फिर उसकी दूसरी शादी कैसे हो सकती है? बाहर जाओ तुम लोग।
दामाद बाबू शास्त्र ने लिखा है कि इस शुभ तिथि पर विवाह करने वाला जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए एक अटूट बंधन में बंध जात है। उका जिंदगी में कोनो दुख तकलीफ नहीं आत है। ई जोड़ा एक दूसरे को कभी धोखा देने के बारे में सोचत भी ना है। मैं जानती हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना रहना पड़े, लेकिन हमारा देव राधिका को सपने में भी धोखा नहीं दे सकता है। कान्हा ने इन दोनों को दूर किया था, लेकिन अलग नहीं। अब वो समय फिर से आ गया है जब कान्हा इन दोनों को मिला देंगे। दामाद बाबू, हम ही विवाह अपना खुशी का खातिर या समाज को दिखाए का खुशी का खातिर नहीं करना चाहते। हम ही विवाह करना चाहते हैं आपका और कनिका का खुशी का वास्ते। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं माताराम जी, लेकिन खुश रहने के लिए दोबारा शादी करने की जरूरत क्या है? कनिका मेरी पत्नी है, उसे जो हक मिलता है वो हमेशा मिलता आएगा। माफ कीजिएगा दामाद बाबू, पर हमरा चिंता व्यर्थ नहीं है। दामाद बाबू, अनजाने में ही सही, पर हमका हाल ही में पता चला है कि हमरी बेटी का अधिकार राधिका का संग बांटा गया है। हम एक माँ हैं और अपनी बेटी का संग इतना बड़ा अन्याय हम कैसे सह सकते हैं दामाद बाबू? और एक माँ होने का नाते हम आपसे विनती करते हैं कि आप ई शादी करिए। कनिका और अपना बेटा दीपू का वास्ते आप इतना तो कर ही सकते हैं ना? कात्यायनी देवी चाहे जितना भी बल बुद्धि लगा ले, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा देव कनिका से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा। अपना फर्ज निभाए का खातिर आप कनिका से ए ब्याह करेंगे कि ना ही दामाद बाबू? हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं दामाद बाबू। कहिए दामाद बाबू, जी माताराम जी। बस आगरा पहुंचे का देरी है लल्ला। उका बाद अभय का मन से सब शंका दूर हो जाएगा। उका पूरा पूरा विश्वास हुई जाएगा कि उ देव नहीं अभय है। फिर ई पुरोहित परिवार ना तो उका दिन रात तंग कर पाएगा, ना ऊपर अपना हक जता पाएगा। 3 दिन, बस 3 दिन का और इंतजार है, उका बाद हमरी कनिका और अभय का ब्याह हुई जाएगा। हमारी सारी चिंता दूर हुई जाएगी। देव का धर्म पत्नी होने का नाते हमारी कनिका होगी राजपुरोहिताइन। और 600 करोड़ का राजपुरोहिती और ये घर, ये पर होगा सिर्फ हमरा और हमरा अधिकार। हम लोग ऐसा कुछ होने नहीं देंगे भैया। नहीं बिरजू, ऐसे तहश में आके कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन दादी माँ, बेटा, राधिका कह रही थी कि देव के सामने कात्यायनी देवी और उनके परिवार के साथ हम जितना हो सके अच्छे से बर्ताव करें, क्योंकि
देव को अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत दुख होता है जब हम कात्यायनी देवी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या बहस करते हैं। बेटा, यूं समझ लो कि जो मान सम्मान वो अपनी दादी को दिया करता था, आज वही मान सम्मान वो कात्यायनी देवी को देता है। बेटा, इसीलिए हमें सोच समझ के हर कदम उठाना पड़ेगा। दादी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर देव को हमारी ऐसी बातों से तकलीफ होती है, उसे गुस्सा आता है, तो हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देव हमारे खिलाफ हो जाए, तब तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। अगर आज के बाद कात्यायनी देवी ने देव के सामने हमें उकसाने की कोशिश की भी, तब भी हम लोग शांत रहेंगे, उनके साथ अच्छे से ही बर्ताव करेंगे, ठीक है? ए रे भैया भैया भैया, ए कहां घुसे चले जा रहे हो? भाई साहब, आपके यहां से ही किसी ने फोन करके दुल्हन के लिए ज्वेलरी के लेटेस्ट डिजाइन मंगाने के लिए कहा था, सो मैं ले आया। बता भाई बता। रुकिए रुकिए रुकिए, हमें शादी के लिए आभूषण चाहिए, लेकिन हम लोग तो हमेशा अपने खानदानी सुनार से ही लेते हैं। हम बुलाए हैं इका, आइए सुनार पर। हाँ जी, काल आए हैं। ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन आया है, ये आपको दरीबा कला में भी नहीं मिलेगा। हाँ, आपके लिए खास हैदराबाद से मंगवाया गया है। मुद्दे का बात अब सुन लीजिए सोनार बाबू। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा जेवर आप हमका बनाई के दें। अभी तो हम आगरा जा ही रहे हैं, हो सकता है बस कल तक ही लौट आएंगे, परंतु लौटते ही हमका सारा जेवर चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा। बढ़िया दामाद बाबू। आगरा जाए से पहले, समय इतना कम है, काम इतना ज्यादा है। किस बात की तैयारी चल रही है? थोड़ा देर में बस हम आगरा का वास्ते निकल रहे हैं माता जी। वहां जाके हमारे दामाद बाबू अपने बीते हुए कल के बारे में एक एक सच पता करेंगे। जरूर जा बेटा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान करे सारी सच्चाई तेरे सामने आ जाए। और हाँ देव, तुझे ये भी बताना था कि हमने ये फैसला लिया है कि अक्ती के दिन शादी करवाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो जानती हैं कि मेरी पत्नी कनिका है। कोई बात नहीं दामाद बाबू, वो जो कर रहे हैं वो का करने दीजिए, जो हमको करना है वो हम करेंगे। हम दोनों को लगता है कि हम अपनी अपनी जगह सही हैं। आप भी शादी की तैयारियां कीजिए, हम भी करते हैं। सच और झूठ क्या है, इसका फैसला हो ही जाएगा। सच और झूठ का फैसला तो हो ही गया है माता जी, और सच का है वो हम भी जानत हैं, वो हमरे दामाद बाबू भी। इका वास्ते तो अक्ति के शुभ दिन पे वो कनिका के साथ विवाह के लिए मान गए हैं, है ना दामाद बाबू? माताराम जी ठीक कह रही है, मेरी पत्नी कनिका है, अक्ति के दिन मेरी शादी उससे ही होगी।
भौजी